नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉबित पीडी में। दोस्तों, उत्तराखंड में 724 पदों पर GDS की भर्ती आई हुई है, जो कि BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर व डाक सेवक की पोस्ट के लिए है। तो आज इस वीडियो में इन्हीं की सैलरी को लेकर चर्चा करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहेगी, सैलरी के अलावा कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, इन भत्तों को जोड़ने के बाद में कुल सैलरी है वो कितनी रहेगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, तो इसे अभी से आप लाइक और शेयर कर देना। इसी प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी है वो दो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग से दो लेवल के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें एक है लेवल फर्स्ट और एक है लेवल सेकेंड है। लेवल फर्स्ट है वो दोस्तों 4 घंटे की जॉब होगी, और वही लेवल सेकंड है वो कम से कम 5 घंटे की जॉब होगी। इसी के अकॉर्डिंग इन्हें दो अलग अलग लेवल के अंदर बांटा गया है। अब हम बात करें BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी को लेकर, तो जिसमें लेवल फर्स्ट के अंदर जो बेसिक सैलरी होगी ब्रांच पोस्ट मास्टर की वो होगी 12,000 रुपये। वही लेवल सेकेंड के अंतर्गत जो सैलरी बेसिक सैलरी होगी वो होगी 14,500 रुपये। वही ABPM और डाक सेवक की लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो सैलरी होगी वो होगी 10,000 रुपये। वही लेवल सेकंड के अंतर्गत ABPM और डाक सेवक की जो सैलरी होगी वो होगी 12,000 रुपये। दोस्तों, ये है आपकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के अलावा आपको कई प्रकार के भत्ते यानी अलाउंस मिलेंगे। इनमें सबसे प्रमुख होता है DA DNS अलाउंस, जिसे हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। दोस्तों, DA की जो वर्तमान दर है वो है 17% है, ये आपको बेसिक सैलरी के अनुसार मिलेगा। यानी मान लीजिए कि आप लेवल फर्स्ट के अंदर BPM है, तो आपको जो DA मिलेगा वो मिलेगा 17,000 रुपये, और आपकी बेसिक सैलरी है 12,000 रुपये। तो आपको करना क्या है कि 12,000 का आपको 17% निकाल लेना है, तो 12,000 का 17% हो जाएगा 2,040 रुपये। इसी प्रकार लेवल सेकेंड के लिए जो आपको DA मिलेगा वो मिलेगा 17% के अकॉर्डिंग आपको 2,465 रुपये का DA मिलेगा। ABPM और डाक सेवक, इनको जो DA मिलेगा लेवल फर्स्ट के अंतर्गत वो मिलेगा 1,700 रुपये का, और लेवल सेकेंड के अंतर्गत जो आपको DA मिलेगा वो मिलेगा 2,040 रुपये का। दोस्तों, सबसे प्रमुख इसमें जो अलाउंस होता है वो DA होता है, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस पोस्ट के अंतर्गत किस लेवल के अंतर्गत आपको कितना क्या मिलेगा। इसके अलावा कई छोटे बड़े और भी कई भत्ते हैं, जिनकी हम बात करें तो BPM को एक 500 रुपये का कंपोजिट अलाउंस मिलता है, प्लस 250 रुपये का एक ऑफिस के रिलेटेड एक अलाउंस और मिलता है। तो यानी BPM को कुल 750 रुपये का एक और अलाउंस मिलेगा DA के अलावा भी। इसी प्रकार ABPM और डाक सेवक दोनों को हर महीने एक तो 25 रुपये का स्टेशनरी चार्ज दिया जाता है, प्लस 180 रुपये साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है। यानी ABPM और डाक सेवक इन दोनों को 205 रुपये का एक अलाउंस और मिलेगा हर महीने। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके जितने भी जो आपको अलाउंस मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और अलाउंस मिलता है, वो है 500 रुपये। वो दोस्तों हार्ड ड्यूटी अलाउंस कहलाता है। ये आपको तभी मिलेगा जब आपकी ड्यूटी उस एरिया के अंतर्गत है, जो एरिया है हार्डशिप एरिया के अंतर्गत आता है, तभी आपको 500 रुपये मिलेगा। BPM को भी मिलेगा, और ABPM को मिलेगा, और डाक सेवक को मिलेगा, तीनों को 500 रुपये मिलेगा। लेकिन ये मिलेगा तभी जब आपकी ड्यूटी है वो हार्डशिप एरिया के अंतर्गत आती है, अन्यथा आपको ये नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गए जो आपकी टोटल अलाउंस, जो आपकी सैलरी होगी, इन सभी को आपको ऐड कर लेना। ये दोस्तों आपकी ग्रोस सैलरी बन जाएगी। इसमें आपको बेसिक सैलरी प्लस आप DA और जो आपको अलाउंस मिल रहा है जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसको आपको ऐड करने के बाद में दोस्तों ये आपकी ग्रोस सैलरी बन जाएगी। दोस्तों, जो आपको मिलती है वो ग्रोस सैलरी नहीं मिलती है, वो नेट सैलरी मिलती है। तो यानी इससे कुछ कटौती होगी। जो कटौती होती है वो होती है NPS के रूप में, यानी जो कि आपकी बेसिक प्लस DA इनका आपका 10% है वो काटा जाता है। तो ये लगभग 1,500 रुपये के आसपास होगा, तो यानी आपकी 1,500 रुपये की कटौती होगी। इसके बाद जो आपकी सैलरी बचेगी वो आपकी नेट सैलरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये होगी आपकी सैलरी के रिगार्डिंग डिटेल। अब हम बात करें कि सैलरी हर साल किस प्रकार बढ़ेगी। तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी होती है वो हर साल 3% बढ़ती है। यानी अगर मान लीजिए कि आपका BPM पोस्ट के अंदर सिलेक्शन हुआ है, वो भी लेवल फर्स्ट के लिए, तो जो आपकी बेसिक सैलरी है वो है 12,000 रुपये। तो सेकंड वर्ष इसमें 3% का इंक्रीमेंट होगा। 3% इंक्रीमेंट का मतलब है कि इसमें 360 रुपये सेकंड वर्ष और बढ़ जाएगा। तो सेकंड वर्ष जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 12,360 रुपये। इसी प्रकार डाक सेवक और ABPM के लिए जो 10,000 रुपये की सैलरी है, इसके अंदर भी 3% का इंक्रीमेंट होगा, यानी सेकेंड वर्ष 300 रुपये बढ़ेगी। तो सेकेंड वर्ष जो आपकी बेसिक सैलरी होगी वो हो जाएगी 10,300 रुपये। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको सेकंड वर्ष और DA जो आपको अलाउंस मिलते हैं वो आपको निकालने होते हैं। दोस्तों, ये सैलरी में इंक्रीमेंट है 3% का हर साल लगता है, प्लस DA वो हर साल बढ़ता रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी
बढ़ती रहती है। तो दोस्तों ये डिटेल थी बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी के रिगार्डिंग। इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। इसी प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।